हेलो दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ जो शाओमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 4 है या फिर अभी नए और आए बहुत सारे फ़ोन है, इनके अंदर एक फीचर आता है ड्यूल ऐप का, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं डबल व्हाट्सअप। लेकिन जो ये ड्यूल व्हाट्सअप है, अगर हम इनको फाइल मैनेजर के अंदर देखें तो इंटरनल और एक आता है स्टोरेज फॉर ड्यूल ऐप, यानी जो आपका दूसरा ऐप है उसका जो आप डाटा होता फोटोज़ वीडियोस या फिर जो आपने ड्यूल ड्यूल ऐप रखा उनका इधर आता है और जो मेन ऐप है उनका इधर आता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आकर खड़ी होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आके खड़ी होती है जब आप इनका कंप्यूटर में बैकअप लेते हैं। मैं आपको कंप्यूटर में देखिए कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने मोबाइल को कनेक्ट कर लिया है और आप कंप्यूटर देख रहे हैं जो मैंने ये इंटरनल ओपन की है, इसके अंदर केवल जो मेन स्टोरेज है फर्स्ट ऐप की वो इनके अंदर दिखाई देती है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि आप सेकंड या ड्यूल ऐप स्टोरेज मोबाइल कंप्यूटर में देख सके। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ जो ड्यूल ऐप है उनका बैकअप हम कंप्यूटर में कैसे लेते हैं, ये कैसे किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने मेरा फाइल मैनेजर ओपन कर लिया हूँ और ड्यूल ऐप के अंदर चलाया हूँ। देखिए, इसके अंदर मैंने उदाहरण के लिए एक गाना रखा है, तो अगर मैं इसको कट करके मेन स्टोरेज में पेस्ट करता हूँ तो ये लिखकर आ रहा कैनोट कट। ऐसा क्यों आ रहा? देखिए, जो MIUI 9 है उसके अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बग्स है, उसके अंदर ये नहीं हो रहा है। अगर आप MIUI 8 का यूज़ करते हैं उसमें बहुत स्मूथली होता था, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन फिर हमें करना है तो हमें कौन सा तरीका आजमाना चाहिए? देखिए, जो मैं तरीका आजमाना जा रहा हूँ, मैं आपको दो तरीके बताऊँगा। पहला तरीका ये है, आप इसे प्रेस कीजिए और मोर में जाकर इसे कॉपी कर लीजिए और इंटरनल में जाकर इसको पेस्ट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर ये आ गया है नीचे, ठीक है। तो आप इस द्वारा, लेकिन आपको फिर यहाँ से इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे तो ये आपको डबल डबल दिखाई देगा, ठीक है। ये है पहला तरीका दोस्तों, इस द्वारा आप इसको इंटरनल में ला लेके आ जाएंगे और फिर आप इसको कंप्यूटर से लगा के कंप्यूटर इसका बैकअप ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ ऐप का बैकअप लेना चाहता, दूसरा तरीका ये है, आप इसे सेलेक्ट करके सेंड पर क्लिक करके इसको हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हम शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि हम डुकेटो नाम के सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर से मोबाइल में कैसे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम वाईफाई द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन वाईफाई द्वारा स्पीड कम आती है तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप वाईफाई से नहीं करना चाहते, जो मैंने पहला तरीका बताया दोस्तों, कॉपी करके उधर पेस्ट कर लीजिए। ये तरीका भी काम कर रहा है MIUI 9 में। उम्मीद दोस्तों जो ये कॉपी कट वाली बग्स है वो बहुत जल्दी इसमें हल हो जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल ये कैनोट वाला सिस्टम चल रहा है। अगर आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।